छत्तीसगढ़ के रायपुर में लूट का खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां अज्ञात लुटेरे ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के सिर पर लोहे के हथौड़े से हमला किया है और काउंटर में रखे पैसे लेकर भाग निकला है। इस वारदात का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और अब यह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में घायल संचालक के भाई ने थाने में शिकायत की थी कि मामले को लेकर हथौड़ी से वार कर लूट करने वाला शातिर लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रायपुर के फाफाडीह ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर 23 अगस्त को यह हमला हुआ था। में एक हृदयविदारक घटना हुई थी, जिसमें ग्राहक सेवा केंद्र के का जो संचालक था उसके पास एक व्यक्ति आया और उसने हथौड़े से उसके सिर पे 3 बार वार किया और उसके दराज से लगभग 40,000 रुपए की जो रकम थी उसको वहां से लूट करके ले गया। इसमें धारा 394 का अपराध पंजीकृत किया था। विक्टिम जो है अभी भी वो इलाजरत है। इस घटना को काफी गंभीरता से लेते हुए थाने की टीम ने और क्राइम ब्रांच की टीम ने